नमस्कार। हर शनिवार को आप आयुर्वेद के ऑनलाइन वर्ग में जुड़े हैं, ऑनलाइन वर्ग देख रहे हैं। ऑनलाइन वर्ग में कोई कोई प्रश्न YouTube की कमेंट में आते हैं, YouTube चैनल पर उसका जवाब हम दे देते हैं जिसको योग्य लगता है और ज़रूरी लगता है। हाँ या ना में उत्तर हो, संक्षिप्त में उत्तर हो तो वहाँ दे सकते हैं, लेकिन कोई कोई बातों में हमको स्पष्टता करनी ज़रूरी होती है। प्रश्न का जवाब विस्तार से देना जरूरी होता है और कोई कोई बातों में हमारी विचारधारा को भी स्पष्ट करना जरूरी होता है। इसके लिए हम ऐसे 2 या 3 महीने में प्रश्नोत्तरी के सेशन रखते हैं जिसमें आपने जो प्रश्न किया है उसका न्याय मिल सके। तो ऐसे प्रश्न एक तो YouTube चैनल जो है उसमें कमेंट में आते हैं, दूसरा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आते हैं, कॉल भी बहुत सारे लोगों के आते हैं। उसमें बहुत सारे प्रश्न जो हमको लगता है कि इसका उत्तर देना बहुत ही आवश्यक है, तो एक हमारा स्टैंड क्लियर हो जाए, उनको भी ऐसा लगे कि ये हम एक निश्चित विचारधारा से कर रहे हैं कार्य, तो वो भी उसको पता चले। केवल आयुर्वेद के वर्ग में जुड़ना इतना ही नहीं है, अपितु एक आप विशेष विचारधारा से भी जुड़ रहे हैं, एक ऋषि मुनि की स्थापित परंपरा से जुड़ रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले बहुत जगह से प्रश्न आया है, खास करके डॉक्टरों का प्रश्न है। अंशु दीदी जी को भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि ये कोर्स का नाम हमने मिनी BAMS रखा है तो क्या ये डीवैल्यू नहीं है आयुर्वेद की या फिर BAMS कोर्स की डीवैल्यू है? ये जो डॉक्टर 6 साल लगाते हैं उसको हम 6 महीने में दावा करते हैं मिनी BAMS के द्वारा वो ज्ञान को सिखाने का, तो कहीं ना कहीं BAMS से BAMS डॉक्टर की या BAMS कोर्स की इसमें डीवैल्यू हो रही है, तो ये नाम के ऊपर पुनर्विचार करें, ऐसा बहुत लोगों ने बताया है। अवश्य हम पुनर्विचार करेंगे, लेकिन हमारा पहले ये विचार जान ले। सबसे पहले तो ये बात जान ले कि BAMS आयुर्वेद का जो पूर्ण ज्ञान हम मानते हैं ऐसा नहीं है, ये वास्तविकता है। तो मिनी BAMS करके हमने कोई बहुत बड़े ज्ञानी की पदवी उसको नहीं दे दी है, ये याद रखें आप, क्योंकि उसमें कितना आता है वो हमको पता होता है। बस केवल गलती वहाँ पर है BAMS डॉक्टर की कि वो भी यदि ये वीडियो को जानेंगे, देखेंगे और सामान्य पब्लिक भी देखेगी तो उसको कुछ कंसेप्ट अवश्य नए मिलेंगे। बहुत सारे BAMS डॉक्टर के साथ तो मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि वो इसका एक लघुता ग्रंथि और एक गुरुता ग्रंथि से पीड़ित है। MBBS या MD के सामने जाते हैं तब वो खुद को लघुता ग्रंथि महसूस करते हैं आयुर्वेद के प्रति गौरव न होने के कारण, एलोपैथी के मतलब पूरा का पूरा प्रैक्टिस नहीं करने के कारण, या तो फिर प्रैक्टिस ही एलोपैथी करने के कारण कहीं ना कहीं आयुर्वेद के बहुत सारे कंसेप्ट उसको क्लियर नहीं होते, समझ सकते हम। लेकिन दूसरा जो होता है वो कोई भी बात को सत्य को स्वीकार नहीं करना, जो नहीं समझ में आता है वो सीखने का प्रयत्न करना या फिर उसकी गिल्टी महसूस करना कि भाई मुझे ये नहीं आया। तो उसके लिए हमने वीडियो की शुरुआत सबके लिए की थी, केवल सामान्य पब्लिक के लिए नहीं, आयुर्वेद के डॉक्टरों के लिए भी इतना ही जरूरी है। लेकिन बस इसमें एक है कि बहुत कम लोग सीखने का प्रयत्न करते हैं, ज़्यादातर लोग गलतियां निकालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आपको पता है बीच में च्यवनप्राश वगैरह में गलतियां निकालने का बहुत सारे डॉक्टरों ने ग्रुप में प्रयत्न किया था, लेकिन उसको पता चल गया है कि यूट्यूबर और हम में बहुत फर्क है। हम ग्रंथों को लेकर यदि 2-4 प्रश्न पूछ दे तो उसमें उन्होंने संहिता का अध्ययन विचारों ने किया नहीं होता है, गुरु कोई उसको मिला नहीं होता है, तो वो कैंटीन में चाय पानी पीकर लेक्चर को मिस करके या इस तरह से कहीं ना कहीं 4-5 साल बिता दिए होते हैं, तो उसको पता चल गया कि यहाँ कुछ ऐसी तिकड़म चलने वाली नहीं है, तो बंद कर दिया उसने, अच्छा हुआ, और अभी चलाएंगे तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं। प्रामाणिकता से हम इतना कहना चाहते हैं कि मिनी BAMS ये 6 महीना 180 दिन का कोर्स रखा है और खास करके BAMS का जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं, तो वो एक नम्रता से हम कहते हैं कि हम भाई ये BAMS में जो जो पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ तो नाम दे, अब आयुर्वेद विशारद किसी को पता नहीं है, आयुर्वेद तज्ञ पता नहीं है, आयुर्वेद आचार्य कह नहीं सकते हैं तो क्या कहे, तो आयुर्वेद से सबसे जुड़ा नाम BAMS है। अब आयुर्वेद आचार्य की तो बहुत बड़ी लायका थे, यानी कि ये बड़ा का बड़ा नाम आयुर्वेद आचार्य का BAMS वाले उपयोग कर रहे हैं,
तो तब तो उनको ये कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम पूछते नहीं है कि आयुर्वेदाचार्य क्यों लिखते, आचार्य का मतलब क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या होती है। कितने लोगों को पता होगा आचार्य की व्याख्या या फिर उसकी जीवन श्रेणी, तो उसको तो कोई पूछने वाला नहीं। हमको आपने पूछ लिया तब हम बता देते कि यदि BMS आयुर्वेदाचार्य लिख सकता है, जो गुरु परंपरा का मान्य एक शब्द है जो ऋषि मुनियों ने दिया है, तो वो बिना कोई गुरुकुल में गए, बिना आचार्य के अंदर में अध्ययन किए, बिना कोई आचार्य के आचरण का पालन किए, यदि आयुर्वेदाचार्य कह सकते हैं बस किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर ने या 5 कमिटी ने निश्चित किया, तो फिर हम BMS के केवल ज्ञान का क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो तो कोई ऋषि मुनियों ने दिया हुआ शब्द नहीं है, और वो कोई इतना बड़ा ज्ञान से जुड़ा भी शब्द नहीं है। वो एक जो स्थापित है कि 12th के बाद जो 4-5 साल का कोर्स है उसको BMS कहते हैं, और उसमें जो जो रखा है उसमें विशेषता से स्पष्टता हो तो BMS कोर्स के स्टूडेंट को भी क्लियर हो जाए और सामान्य जनता को भी क्लियर हो जाए, समझ में आए कि आयुर्वेद में उस कितने तक हम आयुर्वेद पढ़ाएंगे, तो एक डॉक्टर तक का ज्ञान हम देंगे, इसके लिए हमने BMS शब्द रखा। इसमें किसी की भी डी वैल्यू हो ये हम नहीं चाहते, मन से भी नहीं चाहते, हम तो आयुर्वेद के वैद्यों को प्रस्थापित करना चाहते, समाज से जोड़ना चाहते हैं। उस दृष्टि से आप देखें, बस केवल और केवल नाम में न पड़े, ज्ञान के साथ भी कुछ संबंध रखे, ज्ञान भी देखे कुछ, बराबर है। तो ये एक बात थी। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं आप PPT क्यों नहीं देते हैं। अब PPT का प्रयोजन तब रहता है जब आप वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो देखते हैं तब PPT आपके सामने ही होती, आप लिख सकते हैं सब कुछ। तो PPT देने से शॉर्टकट ये हो जाता है कि कभी आपको ज्ञान दिखाना है तो उसके ऊपर आप वीडियो चालू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया है, हमारा देख देख कर बहुत सारे लोग चरक संहिता बच्चों को देकर पढ़ाते हैं, यहाँ आकर 2-4 बातें ले जाते हैं गुरुकुल में आकर, फिर लगते हैं चरक संहिता पढ़ाने के लिए। अभी 15 दिन पहले या 6 महीने पहले चरक संहिता बैगन है, आलू है या भिंडा है पता भी नहीं था, और कहीं दुकान से निकले होंगे, लाए चरक संहिता और पढ़ाने लगे कि आहार द्रव्य क्या होते हैं और ये क्या होता है। तो इस तरह ये हास्यास्पद बातें आयुर्वेद के इमेज को बहुत डाउन करती है। आपको PPT चाहिए तो आप वीडियो से सीखिए, नोट बनाइए, बस आपको प्रेजेंटेशन सीखे बिना कहीं देना है, यूट्यूब में फेमस हो जाना है यूट्यूब के वीडियो बनाकर। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते, इसके लिए हम कहते हैं जो सही मायने में ज्ञानी होगा तो PPT मांगेगा नहीं, वो देखेगा और नोट बनाएगा, क्योंकि PPT वहाँ दिख ही रही है सामने, तो थोड़ी मेहनत करेगा, नोट बनाएगा। और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है जो PPT में नहीं होते, मैं प्रवचन में देता हूँ, तो ये भी वो देखने का प्रयत्न करेगा। तो इस तरह से आप वो प्रयत्न करें कि PPT के बिना ही आप नोट्स बनाइए, मेरा कहना ऐसा है। और नोट्स इस तरह से बनाइए कि वो व्यवस्थित रूप से कभी भी प्रश्नोत्तरी हम करें उसकी, या आपके लिए विशेष शिविर का आयोजन करें और प्रश्न पूछे तो वो नोट पढ़कर आप जवाब दे पाए। तो PPT का कोई प्रयोजन देने का हमको नहीं लगता है, जिस दिन लगेगा उस दिन हम PPT अवश्य आपको देंगे, लेकिन उसके पहले कुछ परीक्षाएँ होगी जो हम नियोजित करेंगे, कुछ शिबिरें होगी वो आयोजन करेंगे। अभी तो आपके लिए इतना ही है, वीडियो में बहुत सरलता से समझाते हैं, और शायद ही कोई कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इस तरह कई पढ़ाई पढ़ाई जा सकती है। हमारे पास ऐसी टीम है जो बहुत सारे लोग अच्छी तरह से सेवा दे रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो इसकी मेहनत भी सफल होनी चाहिए, उसकी मेहनत का भी गौरव रखना चाहिए। इसके लिए हम जो नियम बनाते हैं वो सबके लिए होता है, आपके लिए पूरे के पूरे वीडियोज है, बोर्ड पर लिखा है पूरा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, और उस देखकर आप नोट बनाकर सीख सकते हैं। तो ये PPT की बात मैंने बताई। आगे प्रश्न है कि आप आयुर्वेद के सूत्र को संस्कृत में बताते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं, तो हमारे जैसे BMS स्टूडेंट को किस तरह से समझे कि आप ये सूत्र बोलते हैं वो हम नहीं बोल पाते हैं, तो आप थोड़ा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए, या संस्कृत के सूत्र जो है वो थोड़े धीरे से बोले। बात आपकी सही है, विश्व में मात्र एक ही ऐसी पथी है जिसका फॉलोवर या जिसका वैद्य मूल भाषा को नहीं जानता है, 99.99% वैद्य संस्कृत को नहीं जानते हैं। तो अब दो बातें हो सकती, या तो मैं संस्कृत छोड़कर आपको हिंदी में बताने लगूं,
तो कोई तकलीफ नहीं। जैसे आपका BMS का कोर्स अभी इंग्लिश मीडियम में हो ही गया है, क्योंकि आपने ही मांग रखी थी कि संस्कृत को हटा दो भाई, अभी हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम 12 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़कर आए हैं, तो बाद में भी हम इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं। क्यों संस्कृत जैसी किचूड़ किचूड़ भाषा को, जो मोटिवेशनल स्पीकर उसको डेड लैंग्वेज कहते हैं, आपके जो हीरो है सभी मोटिवेशनल स्पीकर, वो बताते हैं कि गूगल पर सारा अनुवाद उपलब्ध है और अभी संस्कृत में गचंती, हाँ हाँ सब कहते हैं कि उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो आप भी उसको सुन लेते हैं कभी कभी और आप भी बताने लगते हैं कि आप संस्कृत छोड़ दीजिए, हमको आसानी से हिंदी में पढ़ाइए ताकि हम समझ पाए एक 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 बात सूत्रों में। और मैं इतना सूत्र तो बोलता नहीं हूँ, हालांकि मैं पूरा का पूरा वर्ग संस्कृत में ले सकता हूँ, और मेरे लिए तो और आसान होता है हिंदी से संस्कृत में लेना, क्योंकि मैं संस्कृत के माध्यम में ही पढ़ा हूँ, संस्कृत की परिभाषा मैंने अच्छी तरह से सीखी है, हिंदी में मेरी बहुत गलतियाँ हो सकती है, संस्कृत में उतनी नहीं होती है, तो मेरे लिए तो आसान होगा संस्कृत में, लेकिन आपके लिए तो अभी थोड़े सूत्र भी कठिन हो रहे हैं, तो आप कह रहे कि थोड़े धीरे बताए, तो एक तो बात ऐसी होगी या मैं संस्कृत छोड़ दूँ, या दूसरी बात ये होगी कि आप संस्कृत सीखें। अब क्या करना है वो तय करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको तो पढ़ाना है आपको, तो हम धीरे संस्कृत बताएं या न बताएं या छोड़ दें बिल्कुल जो सूत्र आते हैं वो भी, या फिर आप पढ़ने की शुरुआत करो। हालांकि आप में कोई प्रेरणा संस्कृत की मिल नहीं रही है, क्योंकि आप आयुर्वेद में BMS के स्टूडेंट हो, आपने बताया ऐसा, तो वहाँ पर तो आपको प्रेरणा लगभग नहीं मिल पा रही है, क्योंकि संस्कृत कहीं पर भी आता हो किसी को ऐसा कम देखने को मिलता है। करीब करीब आयुर्वेद की कॉलेज में तो संस्कृत ने विदाई ले ली है, तो मुझे बहुत दुख होता है वैद्यों की स्थिति देखकर, जो MD लगाता है उसके पीछे द्रव्य गुण लगाता है, पंचकर्म लगाता है, बहुत सारी डिग्रियां लिखता है आयुर्वेद, और बाहर आता है तो लोगों को लगता है बहुत आयुर्वेद की संहिता का अध्ययन है या आयुर्वेद साक्षात धन्वंतरी के रूप में आ गया है, लेकिन जब मैं उसको संस्कृत के सूत्र पूछता हूँ या चरक सूत्र कोई बोलने कहता हूँ, तो एक भी सूत्र वो बोल नहीं सकता है। कितनी ये एक विचारणीय या तो कितनी शोक आए ऐसी बात है, कितने पतन की पराकाष्ठा है। एक आयुर्वेदाचार्य ने पुस्तक लिखा था और देखकर तो मुझे गिफ्ट आया, और देखकर मुझे बहुत ही दुख लगा, क्योंकि उसने जो टाइटल दिया था ना, वो देखकर मैं शोक हो गया। उन्होंने टाइटल दिया था अमृताहा आयुर्वेदानाम। अब चरक का ये सूत्र है आयुर्वेदो अमृतानाम, उसका अर्थ ये है, षष्ठी निर्धारण है वहाँ पर है, यतश्च निर्धारण, ये सूत्र से षष्ठी हुई है, और उसका अर्थ ये है कि अमृत जितनी बातें हैं वो सब में नहीं, नई मिटने वाली बातों में आयुर्वेद प्रधान है। आयुर्वेद कभी भी कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि वो व्यावहारिक रूप में जन जन तक प्रसरित हो गया है, पूरे भारत में गाँव गाँव तक प्रसरित हो गया है। तो ये चरक ने बताते हुए कहा है आयुर्वेदो अमृतानाम। अब अमृता के ऊपर, गिलोय के ऊपर पुस्तक लिखी है, उसका नाम दिया है अमृताहा, यानी अमृता यानी कि गिलोय है, बराबर है, बराबर अमृता। आयुर्वेदाना यानी कि विश्व भर में जितने आयुर्वेद है उसमें अमृता प्रधान है। अब इसका कोई अर्थ हुआ क्या कि अमृता आयुर्वेदानाम, आयुर्वेद जितने भी है, एक तो आयुर्वेद की बहुवचन हो नहीं सकता है क्योंकि आयुर्वेद एक ही है, बराबर है, वो अनादि है, शाश्वत है, वो पढ़ रहे हैं और वो बता रहे कि अमृता आयुर्वेदानाम, मतलब सभी जितने भी विश्व में आयुर्वेद है वो सब में अमृता प्रधान है, इसका क्या कोई अर्थ हुआ और ये टाइटल है। अब कोई सामान्य संस्कृत का ABCD पढ़ने वाले व्यक्ति को ये बता दिखा दिया होता आपने, तो बताता कि ये सूत्र से यहाँ नहीं होगा, ये शब्द ही नहीं बनेगा, कोई इंग्लिश या दूसरी भाषा में इस तरह की हास्यास्पद टाइटल नहीं होगा। अच्छा है कि भारत की 99% जनता संस्कृत जानती ही नहीं है, नहीं तो उसकी क्या हालत होगी आप देखिए। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां संस्कृत जग से जब हिंदी करते हैं वैद्य लोग, जो आता ही नहीं है बिल्कुल, और वो सीखने की बात तो जाने दे, हमारा खंडन करने लग जाते हैं। वो बताते हैं कि भाषा से क्या होगा, हम संस्कृत नहीं सीखे तो नहीं सीखे, गौरव से कहते हम नहीं सीखे तो नहीं सीखे भाई, उसमें आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या बिगड़ गया, हम तो कैसे, तो हम कहते हैं कि सिद्धांत जब आपको जानना है सप्त धातु का, उत्तरोत्तर धातु नाम प्राबल्यम, उत्तरोत्तर धातु नाम पोषणत्वम, पोषणत्व का क्या अर्थ करेंगे आप, कुली जो न्याय है उसको कैसे सिद्ध करेंगे,
आप कैसे उस न्याय को समझेंगे संस्कृत समझे बिना? आप अलग अलग न्याय को कैसे न्याय दे पाएंगे? उत्तरोत्तर भूतानाम सूक्ष्मत्वम क्या समझेंगे आप? उत्तरोत्तर भूतानाम व्यापकत्वम क्या समझेंगे आप उसमें? षष्ठी निर्धारण है आयुर्वेदो अमृतानाम क्या समझेंगे? अमृतानाम मतलब क्या होता है? कौन सी विभक्ति है? किस अर्थ में चरक ने वहां पर किया है? क्या समझेंगे आप मुद्गा शमी धान्यानाम मतलब क्या होता है? धान्यानाम अर्थात क्या होता है? तो इस तरह के एक सूत्र आप सामान्य नहीं समझ पाते हैं, तो आप आयुर्वेद के जैसे गहन दर्शन शास्त्रों से भरे हुए अध्ययन को कैसे पार पाएंगे? और ये नहीं है, उसका भी आपको दुख नहीं है। आपको सामने वाले की किसी भी तरह से जो कोई भी काम करता है उसकी गलतियां कैसे निकाल दे, बस वही दृष्टि रहती है। वो तो आपकी पतन की पराकाष्ठा है और लोग जग जाए इसके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के डर के कारण भी पढ़ना शुरू करें। अभी आपने जो नहीं पढ़ा है उसकी गिल्टी आपको लगे कि भाई मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, संस्कृत के मेरे पास स्कोप थे, 6 साल थे आपके पास BMS कॉलेज करते करते, और हर एक सिटी में एक संस्कृत का विद्वान था, बहुत सारी संस्थाएं संस्कृत सिखाने के लिए काम करती थी। क्यों नहीं पढ़ा भाई आपने संस्कृत? क्यों दिन 2-3 घंटे उसमें नहीं दिए जो आप देते हैं अलग अलग जगह? तो वो आत्मनिरीक्षण करें, आप अपने आप को संस्कृत सीखने का प्रयत्न करें, न कि मैं उसमें आपको संस्कृत हटा दूं बिल्कुल मेरे प्रवचनों में, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो हमारा बेस है, उसको मैं हटा नहीं सकता हूँ। BAMS कोर्स से वो हट सकता है, वो इंग्लिश मीडियम हो सकता है, क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है। यदि वो नहीं रहा, इंग्लिश मीडियम नहीं किया, तो स्टूडेंट कम हो जाएंगे, क्योंकि आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो उसको फीस नहीं मिलेगी। मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वीडियो के 5-5, 10-10 हज़ार खर्च करता हूं, आपके पास से कुछ लेता नहीं हूं। इसके लिए मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको यदि लगे कि आपको यदि ज़रूरत है तो अवश्य मंथन करिएगा और संस्कृत सीखिएगा, ये मेरी नम्र विनंती है। आगे प्रश्न तो ऐसा है कि जो यहाँ पर नहीं लेना चाहिए ऐसे, लेकिन 2-3 लोगों ने इसी तरह के प्रश्न पूछे हैं तो मैं ये प्रश्न ले लेता हूँ। प्रश्न ऐसा है कि च्यवनप्राश इतना सस्ता है तो कभी कभी शंका होती है कि क्या इसमें सब औषधियाँ डली होती है क्या, या डालते होंगे या नहीं डालते होंगे। प्रश्न आपके मस्तिष्क की क्षमता को दिखाता है। इसका जवाब आप पर ही मुझे छोड़ना था, लेकिन प्रश्न जिस तरह से उठा है तो मुझे लगा कि ये आपका मस्तिष्क आपको जवाब नहीं दे पाएगा जब तक उसको दिशा नहीं देंगे हम। ये सब बातें छोड़ दीजिए, बस बहुत लोगों ने ऐसा प्रश्न औषधियों के बारे में पूछा है। आप थोड़ा पूर्वापर ये भी देख लिया करिए, YouTube में कोई डब्बा लेकर जाहिरात करता है, ऐड करता है, आपको बताता है बार बार ये औषधि लो वो औषधि लो, और संस्कृति आर्य गुरुकुलम की ओर से भी औषधि आती है, वो दोनों में फर्क है। इतना यदि आपको पता नहीं चलता है तो थोड़ा ब्राह्मी का सेवन किसी भी कंपनी का लेकर, या नदी के किनारे जो ब्राह्मी उगी हो ना उसका रस पिया करें, बराबर थोड़ी शंख पुष्पी लिया करें, क्योंकि आपके मस्तिष्क को दिशा की ज़रूरत है, सोचने की थोड़ी ज़रूरत है। यदि आपने ये सोच लिया होता कि ये व्यक्ति डिजिटल बोर्ड पर आयुर्वेद का क्लास पढ़ा रहा है, बराबर है, उसमें हम एक भी प्रोडक्ट की ऐड नहीं करते जबकि हम कर सकते हैं, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हमारा फ़ायदा है। हम डिजिटल बोर्ड पर आयुर्वेद का क्लास लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की ऐड नहीं कर सकते जबकि हम कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, पीछे बैनर में लगा होता है, यहाँ च्यवनप्राश का फोटो आ जाता है, सब कुछ हम यहाँ कर सकते हैं, आधा क्लास चलेगा, आधी हमारी सब प्रोडक्ट की एडवर्टाइज आती रहेगी, ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हमारा फायदा है। उसको नज़रअंदाज करते हुए हम आयुर्वेद के सन्निष्ठता से शिष्योपक्रमणीय अध्याय में जैसा बताया गया है सुश्रुत में, इस तरह से गुरु परंपरा से आपको आयुर्वेद की ही पूरी की पूरी माहिती दे पाए, बीच में कुछ ना आए, इसके लिए आपके समय का सदुपयोग, हमारे समय का पूर्ण सदुपयोग करते हुए पूरी माहिती पहुंचाते हैं, तो आपको समय का भी इतना नुकसान न हो, क्षण का भी, मिनट का भी, ये हम ध्यान रखते हैं, तो आपके स्वास्थ्य का तो नुकसान नहीं हो, इसका तो हम ध्यान रखते ही होंगे। आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि ये बोर्ड पर लिखते तो 500,000 ऐसे ही उसको मार्केटिंग हो जाती, और ये तो हमको अच्छी तरह से आता है, ये हम कर सकते थे, क्यों नहीं किया? ये आपको नहीं लगा कि ये चीप नहीं है, ये कुछ विशेष व्यक्ति है, ऐसा नहीं लगा? ये कुछ विशेष कोर्स ऐसा आपको अभी तक नहीं लगा?
आप बस उसी तरह से हमको गिन रहे हैं सब जो यूट्यूबर है, या तो यूट्यूब में आप डब्बे वाले बेचते, तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे जवाब देने की कम आवश्यकता है। आप अपने मस्तिष्क को काम पर लगाइए, थोड़ा थोड़े और भी यूट्यूबर को देखिए, आयुर्वेद का सर्च करिए थोड़ा बहुत, क्या क्या कहाँ कहाँ पर है ना, वो आपको सब पता चल जाएगा, कौन कौन कितने कितने पानी में बैठा है और कौन आपको पानी में बिठाने या डुबाने के लिए कुछ कह रहा है, वो सब आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे युवा ऐसे जुड़े थे यहाँ पर, जुड़कर चले गए। क्यों चले गए आपको पता है? वो एक IITN वीडियो बनाते हैं दाढ़ी रखकर, और लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इतना कहकर पैसे लेते हैं और कोर्स बेचते हैं, एक एक घंटे के, दो दो घंटे के, बराबर मुझे पैसा दो, कोर्स करो, कोर्स बनाओ और कोर्स करो, युवा को सबको ऐसा रखते हैं। उसके मिलियंस में फॉलोवर है, वो मिलियंस के फॉलोवर देखकर एक युवा यहाँ से गया और वो ऐसा बताने लगा कि लोग गुरुकुल परंपरा से आते हुए कुछ नहीं कर पाते हैं और इसने तो बस IIT से आकर मिलियन फॉलोवर कर दिए, बड़ी क्रांति हो गई, वशिष्ठ जी भी क्रांति हो गई, गुरुकुल परंपरा से आते हुए कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब गुरुकुल परंपरा से आकर ऐसा करें आप कि यहाँ वहाँ से पैसे बटोरे और युवाओं को किसी भी तरह से उठपटांग बात एक एक कर खड़ा करे, 25-50 लोगों को गिड़गड़ाए उसके सामने, मुझे पैसा दो, वो पैसा मार्केटिंग में लगाए और उससे पब्लिक को इकट्ठी करे, और वो युवा चला गया आज वहाँ पर है। अच्छा है, सबके लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। दातार गुरुजी थे, तभी भी ऐसे अज्ञानी लोग थे, आज भी है। उस समय पर हमने दातार गुरुजी को ढूंढ निकाला हजारों करोड़ों की बस्ती में, आज भी ढूंढने वाले ऐसे लोगों को ढूंढ निकालते हैं, और बाकी के जो ऐसे लोग होते हैं उसके लिए वही ठीक है, क्योंकि वो हमारा टाइम पास न करे, वही हम चाहते हैं। ऐसे लोग हमारा टाइम पास, हमारे पास समय बहुत कम है और आने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, न्याय नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था भगवान ने की है, उसको मुबारक। आपके लिए भी ऐसी व्यवस्था बहुत सारी कंपनियों ने की है, तो आपको यदि ये सब समझ कर ऐसा लगता है कि संस्कृति आर्य गुरुकुलम की प्रोडक्ट, ये ज्ञान देखकर आपको यदि ऐसा लगता है कुछ भी कि इसमें कुछ आपका भला है ये लेने में, तो आप उसको ले सकते हैं। यदि उसमें ऐसा लगता है आपका कोई भला नहीं है, तो संस्था के भले के लिए तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, संस्था भगवान देख ही रहा है, देख ही लेगा। तो आपको ऐसा लगे 100% माइंड में, हम वो आपको कभी नहीं बताते हैं, नहीं तो आप केवल आयुर्वेद का जो अध्ययन करते हैं वही करते रहिए, आप उसमें मत पड़िए। आपको जो थोड़ा भी शंका आपको लगती है तो वो छोड़िए, हम कोई भी वस्तु आपको पकड़ाना नहीं चाहते हैं, इसके लिए हम इसके विषय में बोलना कुछ भी नहीं चाहते हैं। आगे का प्रश्न है कि ऑनलाइन चिकित्सा क्या प्रोडक्ट बेचने के लिए है? ऐसे भी प्रश्न आते कि आप ऑनलाइन चिकित्सा तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो आप ऑनलाइन चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद के सिद्धांत को पढ़ाते ओ, तो सबसे पहले ये जाने कि ऑनलाइन चिकित्सा या चिकित्सा का विकल्प नहीं है, ये आजकल जो मिथ्या चिकित्सा कर रहे हैं उसका विकल्प है। बहुत सारी जगह से 5-6 महीने का कोर्स करके कोई सिद्ध लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, आयुर्वेद का धातु का दोषों का उसकी अवस्था का कुछ भी पता न हो और आपको अर्क पकड़ा देता है और आपकी बीमारी बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए, एक एक साल में लोग डॉक्टर बनाने लगे, 5-5 महीने में लोग सिद्ध तैयार करने लगे, चरक की फैक्ट्री चालू कर दी, भागभट की फैक्ट्री चालू कर दी, बहुत सारे लोग ऐसे निकल पाए और बहुत सारे लोग तो नेचुरोपैथी के कोर्स ला ला कर अपने आप को डॉक्टर बताने लगे, वो भी तकलीफ नहीं, डॉक्टर बता सकते आप अपने आप को, आयुर्वेद के जानकार भी बताने लगे साथ साथ कि मैं आयुर्वेद भी पढ़ा हूँ। तो हमको लगा कि बहुत सारे लोगों ने को प्रश्न किया गर्भ संस्कार के विषय में, जो डिस्टेंस में थे, गर्भावस्था में आ नहीं सकते थे, उसके लिए हमने ऑनलाइन चिकित्सा चालू की थी, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए दूसरा चालू की थी जो डिस्टेंस पर है यहाँ नहीं सकते, फिर बड़ों के लिए भी अच्छे रिजल्ट आए, तो बड़ों लोगों ने हमको, बहुत सारे लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की, राजेश्वर राव जी ने हमको रिक्वेस्ट की उस समय, तो हमने मेहनत करके बहुत सारा मेहनत करके केस देखने का शुरू किया और ऑनलाइन चिकित्सा में बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए, तो प्रयत्न करते उसकी प्रकृति को समझ पाए प्रश्नोत्तरी से और भी हम उसको अच्छी तरह से न्याय दे पाए उसका पूरा प्रयत्न करते, हालांकि साक्षात आए इसके जैसा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
बड़ी हॉस्पिटल चाहिए वो अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि आप तक पहुंचने में ही हमारी शक्ति ख़त्म हो जाती है। गुरुकुल से पढ़कर निकला तब से लोन, तब से ही लोन है कोई ना कोई कंसेप्ट में, क्योंकि कंसेप्ट बहुत सारे है और शक्ति कम है। अब एक को न्याय देते वक्त दूसरा रह जाता है तो हॉस्पिटल वगैरह कुछ है नहीं। यहाँ आएंगे आप यदि हमारे परिसर में, तो परिसर को देखकर आपने आपने जैसे पहले बताया इस तरह से आप हमारी डी वैल्यू कर देंगे। तो आप यदि ऐसा मगज में फिट करके आएंगे कि बड़ी हॉस्पिटल होगी और मैं बैठ जाऊँगा ऐसी ऑफिस में और चार पाँच लोग मतलब सेवा करने के लिए होंगे, केस निकालने के लिए रहेंगे, वीडियो देखकर आप ऐसी इमेज बनाएंगे, यहाँ आएंगे तो मैं खटिया पर आपको बाहर देखने को मिलूँगा, दूध निकालता होगा गाय से या तो फिर कोई और काम में रहूँगा, तो आपको लगेगा भाई ये कैसा वैद्य है, इसके पास तो कोई बड़ा स्टाफ नहीं कुछ नहीं। इसके लिए आपकी श्रद्धा बरकरार रहे जब तक हमारा बड़ा भवन न हो जाए तब तक, इसके लिए हमने ऑनलाइन चिकित्सा की है। वो वहाँ पर बैठकर हमारे वैद्य की टीम देखती है पूरी की पूरी, और मैं भी उसका देखता हूँ केस और उसको समाधान मिले, ऐसे आपको बहुत सारे केस को अच्छा हो गया है वहाँ बैठे बैठे। तो इस तरह से हम पूरी निष्ठा के साथ ऑनलाइन चिकित्सा का न्याय देने का प्रयत्न करते हैं। तो ये प्रोडक्ट बेचने के लिए तो कतई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नज़दीक से दवाई मिले लिख देते हैं, बहुत सारे लोगों को दवाई की ज़रूरत नहीं है तभी भी बता देते हैं कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है, और प्रोडक्ट भी लिखते हैं दो चार भी ही लिखते हैं, जितनी दवाई ज़रूरी होती है उतनी ही, और वो भी मैं बताता हूँ कि आपको अपने मनोमंथन की ज़रूरत है। आज एक दूसरा आप देख लीजिए कोई जो आपका नेचुरोपैथी का प्रचार करता है, फ़ोन पे बात करने का 10-15 हज़ार लेता है, यूट्यूब के उसके फॉलोअर है, आप उसका ज्ञान थोड़ा देखिए, मेरा देखिए, दोनों आपके सामने है, कोई कोई बराबर है, मेरा ज्ञान आप देख लीजिए, थोड़े वीडियोस देख लीजिए, दर्शन शास्त्र के है, आयुर्वेद के है, मैं मिनट का भाव रख सकता हूँ आपके साथ बात करने का, मैं 10,000 रुपये रख सकता हूँ, और 10,000 रुपये में भी रोज का एक व्यक्ति तो मुझे मिल जाएगा बात करने वाला जो मेरे से बात करना चाहता है चिकित्सा के विषय में। मैं ये काम न करूं, मुझे यदि पैसा ही कमाना है तो आपसे बात करने का ही मैं पैसा रख दूं 5,000 या 10,000, अरे वो अज्ञानी रखता है व्यक्ति, उसके साथ बात करने वाले आज 1,000-1,500-2,000 उसकी उसको बात करने वाली है, उसके छोटे से व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है वो तो कुछ 5-10 हज़ार लेता है बात करने का। और भारत में जितनी भी ऐसी हस्तियाँ है सारे की सारी हस्तियाँ फ़ोन पर कभी नहीं मिलती है, मैं गारंटी देता हूँ। आप रोएंगे और आप कभी गंभीरता से कुछ बताएंगे मैं सीधा आपसे साथ बात करता हूँ, ये जाने बिना कि आप क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, हमारी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं नहीं करते, वो मैं कुछ पूछता नहीं, मुझे पता भी नहीं होता है कि वहाँ के कौन कौन लेता है कौन कौन नहीं लेता है, मैं हिसाब किताब नहीं रखता हूँ, मैं पूरा दिन ग्रंथ पढ़ता हूँ। तो आपको ये स्वयं समझ में आना चाहिए, आप इतने बड़े हैं तो आपको तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि यदि मुझे पैसा कमाना होता तब तो मैं 10,000 रुपया रख देता बात करने का, और निश्चित मुझे एक व्यक्ति दिन में मिल जाता जो मेरे साथ बात करना चाहता है, और मैं आधा घंटा बात करता उसके साथ, तो मेरा 10,000 रुपया मिल गया। अब मुझे क्या ज़रूरत रही सब कुछ करने की, मजदूरी करने की, और उसमें मैं क्या कमाऊँगा यदि मुझे कमाना है तो। तो इतनी तो आप में होनी चाहिए अकल, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ यदि आप आयुर्वेद को देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो, कि दूसरे में और हमारे में ज़मीन आसमान का नहीं उससे भी ज़्यादा फर्क है। परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने संस्था की स्थापना क्यों की, आयुर्वेद यहाँ तक क्यों टिकाया, क्यों गुरु जी की परंपरा इतने सालों तक टिकी, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन 4 लाख बच्चे क्यों ले रहे, ये सब पता होना चाहिए आपको, तो आपको ये प्रश्न नहीं उठेगा बाद में कि ये क्या ऐसे छोटे से रीज़न के लिए इतना बड़ा आयाम हमने किया है चिकित्सा का। ये जो हम पैसा है ना वो तो आसानी से कमा सकते हैं, वो यदि ठान लिया ना तो कमा सकते, कोई वो बात नहीं है हमारे लिए कठिन बात, लेकिन हाँ एक सिद्धांत के स्तर पर ये कार्य कर रहे चिकित्सा का, उसमें दिमाग में भी यदि प्रोडक्ट की बात आई तो हमारी चिकित्सा को भी लांछन लगता है, चिकित्सा कार्य भी उससे अपनी महानता को या तो अपनी गौरवपूर्णता को ख़त्म कर देता है। चरक संहिता में तो बताया गया है कि सत्यक्त्वा कांचन राशिम प्रांशु राशिम उपासते, चिकित्सा प्रणय विक्रय जो करता है, जो छोटी छोटी लक्ष्य के लिए चिकित्सा का कार्य करता है, वो सुवर्ण की राशि को छोड़कर प्रांशु राशि उपासते, वो धूलि को लेकर सोने को छोड़ता है। तो इतना बड़ा कार्य मोक्ष के लिए मुक्ति के लिए
जीवन विकास के लिए जो चिकित्सा का कार्य है वो हम ऐसी छोटी बातों के लिए तो करेंगे ही नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि चिकित्सा का कार्य यदि कोई करेगा तो उसके लिए बताया गया है कि क्वचित धर्म, क्वचित अर्थ, क्वचित मैत्री, क्वचित यशः, बराबर है, कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा ही। यानी कि क्या क्या, कि क्वचित धर्म, क्वचित अर्थ, क्वचित मैत्री, क्वचित यशः, कर्माभ्यास, क्वचित चेति, चिकित्सा नास्ति निष्फला। चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं जाती है, कभी धर्म मिल जाता है, कभी अर्थ मिल जाता है, कभी यश मिल जाता है, कुछ नहीं मिला तो कर्माभ्यास क्वचित चेति, कभी अपना अभ्यास हो जाता है पुराना सीखा हुआ। चिकित्सा की हुई कभी भी निष्फल नहीं होती है, ये सिद्धांत है, चिकित्सा नास्ति निष्फला। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो महाभारत के रंतिदेव की उक्ति मुझे याद आती है, जब जब मैं रोगी को देखता हूँ या किसी को हैरान परेशान हुए देखता हूँ, बहुत जगह से थाके हारे लोग आते हैं हमारे पास या फ़ोन करते हैं, तब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि न त्वहं कामये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम, प्राणीनाम अर्तिनाशनम। रंतिदेव महाभारत में कहते हैं कि क्या दू, भगवान ने ऐसा जब रंतिदेव को बताया तब रंतिदेव ने बताया कि न त्वहं कामये राज्यम, राज्य मांगने वाले आपसे बहुत लोग होंगे, उसकी लाइन में मैं नहीं हूँ। न त्वहं कामये राज्यम, न स्वर्गम, स्वर्ग मांगने वाले भी बहुत लोग होंगे, उसकी लाइन में भी मैं नहीं हूँ। न पुनर्भवम, पुनर्भव मांगने वाले तो हजारों करोड़ों लोग होंगे कि ये भव अच्छा नहीं है मेरा, ये भव में मुझे माता पिता नहीं मिले, पत्नी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, अगला भव मुझे अच्छा देना भगवान, ऐसा मांगने वाले भी होंगे, लेकिन मैं उसमें भी नहीं हूँ। न त्वहं कामये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, तो क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि कामये दुख तप्तानाम, प्राणीनाम अर्तिनाशनम, यानी कि जो प्राणी दुख से आतप्त रहते हैं, दुख से ग्रस्त है, त्रस्त है, उसके दुख का किसी भी हालत में मैं निमित्त बनूं दुख निवारण में, मैं मेरी शक्ति का, सामर्थ्य का, समय का इस तरह से उपयोग करूं कि उसके दुख का यत किंचित निवारण कर सकूं, ये रंतिदेव की जो उक्ति है वही हमारा जीवन लक्ष्य है। इसके लिए हम चिकित्सा करते हैं जहाँ तक कर पाते हैं। और जब हमको लगता है कि अध्यात्म की साधना में ये जो प्रतिबंध हो रहा है, तब हम वैद्यों को सौंपते हैं, अभी सौंपा है, वैद्य लोग कर रहे हैं, मैं मार्गदर्शक की भूमिका में हूँ, तो वो भी लोग सेवा समझकर एक विजन के साथ, एक विशेष दृष्टि के साथ ही चिकित्सा करते, उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ उससे जुड़ा नहीं है। कम से कम जब वो संस्कृति आर्य गुरुकुलम की ओर से ये चिकित्सा का पवित्रतम कार्य करते हैं, तो ये एक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। संस्कृति आर्य गुरुकुलम से चिकित्सा करते हैं आप, तब आप एक ऋषि के आश्रम में सेफ जगह गए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका शोषण नहीं होगा, नहीं कोई आपसे मांगेगा, नहीं आपसे गिड़गिड़ाएगा, नहीं कोई अपील की जाएगी। ये गौरवपूर्ण परंपरा ऋषि मुनियों की हम वहन कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू, इसका आत्मगौरव भी हम करना जानते हैं, तो इस तरह का कुछ भी बात नहीं है। तो भी आपको कुछ मन में लगे तो वो उसको आप उस मन के अनुसार करें, आप इतना आपके सामने दूसरी साइड मैंने खोल कर रखी है, तो भी यदि आपको कुछ लगे तो आप जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। हम कभी भी यहाँ से नहीं बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लो वो लो, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। आपको पूरे मन से कुछ लगे, आपके लाभ के लिए है, तो आप उसको ले सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपका कोई लाभ नहीं है, तो आयुर्वेद के वीडियो तो आप देखते रहते हैं, उसमें भी आपको यदि ऐसा लगेगा कि आपका लाभ है तो ही वो देखिए, क्योंकि व्यू के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या यूट्यूब के कोई भी प्रकार का एक भी पैसा लेने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे। इसमें तो हम आर्थिक रूप से नुकसान कर रहे हैं, आपके आत्मिक फायदे के लिए। वो आत्मिक फायदा आपको लगता हो तो ठीक है, नहीं तो भगवान को प्रार्थना करें आपके आत्मिक फायदे के लिए कुछ आपका और सुझाए। आगे का प्रश्न लेंगे, आप जो पढ़ाते हैं वो किस बुक से पढ़ाते हैं, वो बुक का नाम भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इन्होंने तो बहुत कमाल कर दिया पूछकर,
आपको ये लगता है कि मैं कोई पुस्तक से रट्टा मार कर आता हूँ और ऐसे बैठे बैठे पढ़ाता हूँ, ऐसी कोई संजीवनी रूपी पुस्तक मेरे हाथ में आ गई है, तो मैं पुस्तक से रोज मानो वो जादुई किताब लेकर आ जाता हूँ और पूरा ज्ञान परोसने लगता हूँ, तो आपको लगेगा ये किताब काश मेरे भी हाथ में आ जाए और मैं भी यूट्यूब का कल चालू कर दूँ चैनल, तो और मेरे भी ऐसा हो जाए कि आयुर्वेद ऐसे फटाफट मेरे भी मन में आ जाए कैसे कैसे एक साथ विषय। तो आपकी ये कल्पना, चार पांच लोगों ने समान प्रश्न किया था कि आप किस पुस्तक को पढ़कर आते, क्योंकि उसको ऐसा अनुभव ही नहीं है कि कोई सालों तक पढ़ाता है या पढ़ता है उसके बाद कोई कभी वीडियो बनाता है, उसको तो यही है कि कोई यूट्यूबर बैठा है और कभी कोई चैट जीपीटी अभी आया है, चैट जीपीटी पर कुछ सर्च कर लिया, कुछ गूगल पर कर लिया, कुछ कहीं कुछ पुस्तक देख ली और किसी की पीपीटी बनी बनाई देख ली ऑनलाइन और लगे बातें करने त्रिदोष की, लगे तंत्र युक्ति की बातें बताने लगे, लगे सात पदार्थों की बात बताने लगे, बीएमएस कोर्स करने के लिए बीएमएस स्टूडेंट को बताने लगे स्कोर कैसे करें, ये पेपर का स्कोर कैसे करें, फला फला पेपर का कोर्स कैसे करें और स्कोर कैसे बढ़ाए, मतलब पेपर देते हैं तो स्कोर होता है उसमें मार्क्स का, तो स्कोर करने के लिए तंत्र युक्ति का एक ने वीडियो बनाया था, मुझे दुख हुआ उसकी तंत्र युक्ति देख कर कि उसको कुछ आयुर्वेद की एबीसीडी पता नहीं, वो तंत्र युक्ति पढ़ा रहा है, कुछ आयुर्वेद की एबीसीडी पता नहीं, वो पदार्थ विज्ञान के बारे में बात बता रहा है, परमाणु क्या है स्कोर करने के लिए वो परमाणु सीख रहे हैं क्योंकि स्कोर करना है, अभी नजदीक परीक्षा है, अब चरक अभी ठीक है आज नहीं, आज वाग्भट नहीं है या आज काश्यप नहीं, तो अवश्य आपको देखकर आत्महत्या कर लेते हो, तो ये स्थिति है सबकी स्टूडेंट की। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं जादुई किताब कुछ रखी होगी मैंने और वो पढ़कर मैं आता हूँ और वो काश हमारे भी हाथ में आ जाए तो हम भी धड़ाधड़ इसका धड़ल्ले से सीख कर बताने लगे, ज़्यादा कौन मेहनत करे, 12 साल 15 साल कौन सीखे, अभी कौन गुरुकुल में जाए, अभी बस ये सब कुछ शॉर्टकट ऐसा आ जाए मेरे हाथ में, तो आपको मैं बता दूँ सालों तक अध्ययन किया है और ऐसी एक दो पुस्तक नहीं, ऐसी हजारों पुस्तकें आंखों के सामने से निकल गई है और केवल निकली नहीं है, एक 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 सूत्र को समझने के लिए घंटों बैठे हैं गुरुजी के पास और जिज्ञासा की है कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ क्या बताना चाहते, तब उसका पौरवा पर ये याद है और तो भी हम भूल जाते हैं। आज आपको पढ़ाते वक्त हमको रिविज़न करना पड़ता है, ऐसा नहीं है हमको पता है अभी स्मृति पथ पर नहीं होता, वो याद आने में भी देर लगती है क्योंकि सालों पहले हो गया है, तो ऐसी कोई एक किताब नहीं है। गुरु जी के पास जो अध्ययन किया गुरु परंपरा के साथ विनम्रता से बैठे, समीधा से उपनिषद की या सुश्रुत की जो अध्ययन विधि है उसको पालन करते हुए समित पाणी गच्छेत, मतलब जो समिधा लेकर गुरु के पास जाते थे लोग, तो समिधा से शुरुआत और गुरु दक्षिणा से समाप्ति होती थी, वो परंपरा में हम पढ़े, समिधा लेकर यानी कि जीवन की समिधा लेकर वहाँ गए थे, तो उनके साथ हमारे जो सालों बीते वो सालों में हमने जो गहन अध्ययन दर्शन शास्त्र आयुर्वेद इत्यादि का अध्ययन किया और उसके सार रूप में आप घर बैठे समझ पाए, इसलिए हम उसको बताते हैं वो हजारों ग्रंथों का सार है, वो कोई 100 रुपया वाली 200 रुपया वाली किताब लेकर हम नहीं बैठ जाते हैं जो दूसरे यूट्यूबर बैठ जाते हैं आपको ज्ञान देने के लिए, तो इस तरह से होती तो इसकी वैल्यू भी नहीं होती, वो कुछ और मार्ग था। तो यहाँ पर तो जो हमने अध्ययन किया पूज्य गुरु जी ने हमारे ऊपर उपकार किया निस्वार्थ विद्या देकर, वो आप तक पहुँचे और आप दूसरों तक पहुँचा सके, इसके लिए एक स्वाध्याय यज्ञ शुरू किया है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ शुरू किया है, तो इस प्रकार की कोई शॉर्टकट की नहीं है कि आपको हम एक किताब बता देंगे और वो किताब पढ़कर आप फिर बृहस्पति बन जाएंगे, शॉर्टकट से ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, ये योग सूत्रकार ने जो बताया है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अभ्यास सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, अभ्यास जब तक दृढ़ भूमि नहीं होगा तब तक आयुर्वेद के सिद्धांत अस्थिगत नहीं होंगे, तब तक अंदर नहीं उतरेंगे, तो वहाँ तक की साधना हमारी है, इसके लिए आपके हाथ में है। पूरा का पूरा जो हमने 14 साल में अध्ययन किया आयुर्वेद का, सूक्ष्मता से अवलोकन किया, अनेक लोगों को हमने देखा, प्रकृति देखी, विकृति देखी, अनेक
हजारों लोगों को रोग देखे, उसकी औषधियाँ परिचर्या दी बताई और इसके अनुभव के सार के रूप में आपको हम घर बैठे ये ज्ञान मिल सके, इसके लिए हमने ये योजना की है। तो आप इसको इसी तरह से ले और ये पूरा का पूरा ये ज्ञान का आप उपयोग करें और बहुत सारे लोगों तक ये ज्ञान जा पाए, ताकि आयुर्वेद का की एक अंतिम आशा के रूप में जो संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र शुद्ध तरीके से टिका है, उसका कोई एक दावा कर सकता है तो कोई यूनिवर्सिटी यह दावा नहीं कर सकती है, कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर यह दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से उसने लिया है, उसने यूनिवर्सिटी को क्या दिया कितना वो प्रश्नार्थ है, और सबकी स्थिति यही है भारत भर के। ऐसा कोई दावा यदि कर सकता है तो परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी कर सकते हैं, उसने एक भी रुपया किसी यूनिवर्सिटी से सरकार से नहीं लिया है, और तो भी जो काम किया है ना वो सारी यूनिवर्सिटी मिलकर नहीं कर सकती है, उतना काम हो करके गए हैं। आज किस भारत की यूनिवर्सिटी ने हजारों लाखों बच्चों को सुवर्ण प्राशन फ्री में दिया, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में देते हैं, वो भी छुट्टियों में बंद हो जाता है, रविवार को बंद हो जाता है, किसने दिया, किसने अपनी सुवर्ण भस्म को डोनेशन, किसने देवी पास रही चिकित्सा की शिविर की, पुत्रेष्टि याग इतना महत्व का है वो फ्री ऑफ चार्ज किसने करवाया, किसने गर्भ विज्ञान के सूत्र लिखे, किसने मुफ्त संस्कार करवाए, किस यूनिवर्सिटी ने, एक दो का तो नाम आप दीजिए मुझे कि किसी ने आयुर्वेद के शास्त्र शुद्ध तरीके से गर्भ संस्कार करवाया हो, फ्री ऑफ चार्ज करवाया हो, एक नहीं तीन तीन संस्कार करवाया हो, किसने नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपा मार्ग की माला भारत भर में उपलब्ध करवाई हो, केवल एक फोन करे और उसको माला मिल जाए, ऐसी ऐसी दिव्य औषधि उसको प्राप्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था किसने की, किसने ये सिखाया कि आयुर्वेद सेवा के लिए होता है, आयुर्वेद लोगों की सेवा के लिए है और वो सेवा करके हम ऋषि का ऋण उतार रहे हैं, हम चाहे किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हो, ये मान्यता, ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये विजन किसने दृढ़ किया, तो केवल और केवल हजारों लाखों नाम खोजने पर एक ही नाम सामने आ जाता है, सूर्य की तरह एक ही नाम दिखता है, वो परम पूज्य विश्वनाथ दातार गुरु जी का है। कोई यूनिवर्सिटी वो नहीं कर पाई है आज तक, वो 100 यूनिवर्सिटी पूरी भारत की इकट्ठी करे आयुर्वेद में और एक जगह संस्कृति आर्य गुरुकुलम रखे, जैसे बस्ती होती है एक जगह सारी चिकित्सा वायु के लिए और एक जगह बस्ती है, बस्ती स्तंत्राणाम उसमें, उसी तरह के संस्कृति आर्य गुरुकुलम की ये गुरु परंपरा आज आयुर्वेद के क्षेत्र में आज बहुत अष्टांग आयुर्वेद पर काम कर रही है। तो वो बस आपको ख्याल में आ जाए, वो संस्कृति आर्य गुरुकुलम का जो वो विजन है आयुर्वेद का, आयुर्वेद की ऋषि परंपरा को टिकाना, तो वो परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने किया है, अनेक परिश्रम को, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए किया है, वो आपके ध्यान में रहे, ताकि आप भी ये जो ज्ञान ले रहे हैं उसका गौरव ले पाए। इतना कहकर भगवान धन्वंतरि की ये परंपरा को हम प्रयत्न करते हैं टिकाने का, आप भी ये साधना की परंपरा में ज्वाइन होइए, आप भी ये परंपरा को अनेक जगह पहुँचाइए, केवल वीडियो देखकर नहीं लेकिन वीडियो पहुँचाकर अपनी कृतज्ञता अर्पण करें भगवान धन्वंतरि के ऊपर, और भी लोगों को आयुर्वेद के साथ जोड़े। आप जो वीडियो देख रहे हैं कम से कम 10 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करें कि वो शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल सर्च करके उसके बाद वो वीडियो देखें। लिंक मत भेजिए, लिंक भेजते हैं तो सीधा देखकर वो निकल जाते, उसको सर्च करने दीजिए, उसको बार बार कहिए कि सर्च करें शास्त्रोक्त आयुर्वेदा, वो सर्च करेंगे तो जल्दी से जल्दी लोग देख पाएंगे, तो वो बताए कि वो सर्च करें शास्त्रोक्त आयुर्वेदा, और शास्त्रोक्त आयुर्वेदा वो सर्च करके वो ओरिजिनल ऑथेंटिक आयुर्वेद के ज्ञान के पास पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए आप प्रयत्न करें, 10-10, 20-20 लोगों को आप कह सकते हैं, वही आपकी गुरु दक्षिणा है, वही आपका कर्तव्य है, बस संस्कृति आर्य गुरुकुलम आपसे वही अपेक्षा रखता है, बाकी कोई अपेक्षा आपकी ओर से हमको नहीं है। तो ये यज्ञ के साथ आप जुड़े और अनेक जगह पर भारत में आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करें, आयुर्वेद के अमृत को घर घर तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध बने। बस आज के प्रश्नोत्तरी के सेशन में इतना ही, अगली बार हम फिर से आयुर्वेद के से सिद्धांतों के लेकर मिलते रहेंगे। इसी के साथ भगवान धन्वंतरि के साथ स्मरण के साथ हम पूरा करते हैं।
नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैर्वंदित पादपद्मं लोके चरारुभयमृत्युनाशं तातारमीशं विविधौषधीनां।